जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के रहने वाली महिला को महिला के पति ने दहेज की मांग ना पूरी होने पर 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुकी है, मगर महिला की कोई सुनवाई थाना मुगलपुरा पर नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि उसका पति उसे शादी के बाद से ही कम दहेज की वजह से टॉर्चर करने लगा था और उसके साथ मारपीट करने लगा था। और महिला ने बताया कि उसका पति पहले भी एक शादी कर चुका है जिसको उसने 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब दोबारा उसका पति ने उसी के साथ 3 तलाक देकर उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नए से नए कानून लाती है और महिलाओं के लिए हमेशा आगे रखती है, तो वही मुरादाबाद में महिला को उसका पति दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला की शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं खालिदा की अम्मी हूँ, मेरा दामाद है। बहुत परेशान करते हैं खालिदा को, आए ना आए दिन टॉर्चर था उसका। क्या नाम है आपके दामाद? खालिद नाम है, खालिद गुइयाबाग में। वो बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता है। 5-6 साल से मैं लगातार उसकी चीज़ों को संभालती रहती थी ताकि उनका बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि उनने एक बीवी और एक बच्चा भी पहले छोड़ रखा। मैं सोचती थी कि इसके ये दो बच्चे बेगाने ना हो, खालिद अपने ही साहे में उन्हें पाल ले। हमेशा मेरा यही रहा है, एक माँ हूँ मैं, अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहूँगी और ना मैं खालिद के लिए बुरा चाहूँगी। जब मैंने उसे दामाद बनाया तो बेटा भी बनाया। अब उसको रात इस कदर मारा पीटा, उसकी बड़ी भावज ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, अम्मी जल्दी से आ जाओ, खालिद ने तुम्हारी बेटी के पर हाथ छोड़ दिया और मेरे भाइयों मेरे शोहर को भी मारा खालिद ने, ये कह के कि खालिदा पिटवा रही तुझे। वो असल में मुझसे 2 पहियों की गाड़ी ली थी, उसने खुद पसंद करके, उसको वो पसंद नहीं आ रही, वो कहता है कि इसको दूसरी दो और भी ज़्यादा महंगी वाली या फिर 4 पहियों की दो, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का बाहर कमाने लगा है। अब तुम मुझे देखो, अब मैं उसको देखूँ या और बच्चे देखूँ, मुझे आप ये बताइए। मुझे और भी तो बच्चे हैं ना मेरे, 3 मेरे सामने उसने खालिद ने 3 तलाकें दी मेरे सामने और मेरे मुंह पर चाटा भी मारा। मैंने उससे कहा अरे चुप ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, बच्चे तेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे, लेकिन वो कहाँ सुनता मेरी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, 4 साल की लड़की। 5-6 हो गए 6 साल। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई, मारना पीटना हर वक्त। कभी मैं कुछ कहती नहीं थी अपने घर वालों से, लेकिन रात मुझे इतना मारा। फिर मैंने मेरे माँ बापों को बुलाया, उन्होंने ही खुद ही फिर उनको भी मारा। फिर हमें बंद कर लिया घर में, निकलने नहीं दे रहा। फिर अपने आप को मारा। फिर खूब अपने आप को मारा, फिर पुलिस को बुला लिया कि ये हमें मार रहा है, हमारे ऊपर कर दिया और हमें मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया। हमें निकलने नहीं दे रहा है, हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, ना फ़ोन है हमारे पास बताने के लिए पुलिस को कि हम कैसे बताएं। और ये इसके भैये, ये बस ये नहीं दिया तेरे घर वालों ने, ये नहीं दिया, ये चाहिए मुझे, कार चाहिए। मेरा भाई बाहर रहता दुबई में, और गाड़ी दी है हमने 2 पहियों की, लेकिन वो कहता है कि 4 पहियों की ला के दो मुझे, नहीं रखूँगा ऐसे। खूब मारते हैं और उसके बहन भैये सब मेरे पर गंदी नज़र से देखते हैं, कैसे रहूँ मैं वहाँ पर। 1 साल से उसकी अम्मी बिस्तर पे हैं, लेटरिन पेशाब मैं कराती थी उन्हें अपने हाथों से, नहीं कर रही थी मैं, मेरे बच्चों से की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मुझसे कह रहा तू ये भी ला के दे जो मैं मांग कर रहा हूँ और ये भी काम कर घर के। तो मैं कह रही कैसे करूँगी मैं ये काम सब, तो इसलिए तलाक देने के कहा मुझे, तलाक दी मुझे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक फाड़ उड़ के मेरे कपड़े मुझे खींच खींच के मारा, दाग कर दिए, हाँ दे दी तलाक, जा 3 बार दे दी, जा यहाँ से, जा जाती क्यों नहीं है, बहुत हो गया तेरा, जा। कार मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, 2 लाख रुपए मांग रहे थे, जो हमारे पास है नहीं, हम गरीब हैं, कोई बहुत वो है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए फरमान हुसैन मुरादाबाद। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट
8668792352 9801980100.